हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्राकृतिक ब्लीच के बारे में जिसे लगाने पर आपका चेहरा तो निखरेगा ही, साथ ही आपकी जेब भी ढीली होने से बच जाएगी। हमारे घर में आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे संतरा, पपीता, शहद, टमाटर आदि ब्लीच बनाने के काम में लाए जा सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं घर बैठे कैसे प्राकृतिक ब्लीच से हम अपने चेहरे को निखारें। हल्दी एक प्राकृतिक ब्लीच है। इसके प्रयोग से आपके चेहरे पे न सिर्फ निखार आएगा बल्कि त्वचा भी पहले से नरम हो जाएगी। हल्दी ब्लीच का प्रयोग करने के लिए हल्दी पाउडर में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पे लगा लें और सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। सेहत के साथ साथ पपीता सौंदर्य को निखारने में भी उपयोगी है। इसमें पेप्टिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो चेहरे को निखारने का काम करता है। ब्लीच के लिए आप पके और कच्चे पपीते दोनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए कच्चे पपीते को घिसकर कुछ देर तक चेहरे पर मले और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। और अगर आप चाहें तो पका पपीता मसल कर दूध के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद चेहरा ठंडा पानी से धो लें। इन दोनों पैकों से आपका चेहरा पहले से बेहतर लगेगा। संतरे में ढेर सारा विटामिन सी और ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं जिससे चेहरे पर पड़े काले दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसलिए संतरे के रस और दही को अपने फेस पैक पे डालना ना भूलें। आप चाहें तो इसके छिलके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए छिलके को सुखाकर उसे पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर चेहरे पे लगाएं और पैक सूखने के बाद धो लें। इससे आपकी ब्लीच करने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी और आप नई ताजगी का अनुभव करेंगी। संतरे की तरह खीरा भी सौंदर्य निखारने में लाभकारी है। खीरे को खाने से न सिर्फ शरीर में पानी की कमी पूरी होती है बल्कि खीरे को चेहरे पे लगाने से भी आपका चेहरा निखर आता है। खीरे से ब्लीच करने के लिए खीरे को घिसकर उसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर इससे 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं। फिर चेहरे को ठंडा पानी से धो लें। आपको अपने चेहरे पर निखार खुद पर खुद दिखाई देगा। आप चाहे तो खीरे और एलोवेरा का रस मिक्स करके चेहरे पर 20 मिनट तक लगा सकते हैं। इससे स्किन फ्रेश और गंदगी दूर हो जाएगी। आलू भी चेहरे के ब्लीच के लिए काफी अच्छा है। एक कच्चा आलू घिसकर उसमें कुछ बूंदे गुलाब जल के मिलाइए, फिर 20 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगाकर इसे धो लीजिए। इससे डार्क सर्कल भी दूर हो जाते हैं। पका हुआ टमाटर भी नेचुरल ब्लीच का काम करता है। एक पका हुआ टमाटर लें, उसमें थोड़ी सी दही डालें और इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरा चमक उठेगा। अगर आप चाहें तो टमाटर के रस में ओटमील का पाउडर भी मिलाकर लगा सकते हैं। इस पैक को लगाने से चेहरा साफ और सुंदर हो जाता है क्योंकि टमाटर ब्लीच का काम करता है और ओट स्क्रब का काम करता है। तो ये थे कुछ घरेलू ब्लीच जिसे आप घर बैठे अपने चेहरे को निखार सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।